नमस्ते, गुड आफ्टरनून। दोपहर के लगभग 2:30 बजे है और अभी मैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर महालक्ष्मी का मंदिर है वहाँ जाऊँगा और वहाँ की जो पूरी डिटेल है, वहाँ जो मंदिर का और उसके आसपास का जो नज़ारा है और उसकी काफ़ी जानकारी है, वो मैं वही जाके आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो आप देखिए, ये देखिए, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और लगभग ये रास्ता है, ये रास्ते की लेफ्ट साइड पर हमारे गांव के जो लास्ट एरिया है और यहाँ दूसरे राइट हैंड पर जो दिख रहा है वो हमारे दूसरे गांव का एरिया है। अभी हम इस मंदिर के पास जाएंगे और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी सुंदर और ये बहुत 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 बढ़िया माहौल यहाँ का। अभी मैं मंदिर से जाके आया और काफ़ी खूबसूरत माहौल था वहाँ का। ये देखिए, मेरे लगभग यहाँ आसपास ही मैं वहाँ मंदिर से जाके आया और अभी जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ का भी जो माहौल है वो कितना खूबसूरत है। देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया नज़ारा है और यहाँ घूमने के लिए डेली डेली रोज लोग आया करते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और नेचर भी काफ़ी खुशहाल और बड़ा ही प्यारा सा है। अगर हमारे यहाँ इस जगह की कुछ डेवलपमेंट हो सकती है तो करनी चाहिए। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। अगर वर्ल्ड में बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसे बगीचे हो सकते हैं, हम अगर बाहर के देश
के क्या बोलते हैं बगीचा देख सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं। तो हम हमारे जगह जब जो माहौल है ये देखिए, इसे भी डेवलप करके कुछ बढ़िया बना सकते हैं। और यहाँ ऐसा डेवलपमेंट करके लाखों करोड़ों यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको हम रोज़गार दे सकते हैं। ऐसी डेस्टिनेशन है, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए बहुत बड़ा ये माहौल है, या क्या बोलते हैं ये हिस्सा है, जगह है बहुत बढ़िया। और यहाँ अगर डेवलप हम कर देंगे तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी जो क्या बोलते हैं बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा और काफ़ी बदलाव आएंगे हमारे जो माइंड में कुछ डेवलपमेंट के ख्याल आ सकते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं राजनीतिक जो गतिविधियाँ है वो बहुत काफ़ी बेकार है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम इतने सालों तक ऐसा इस ऐसी जगह बहुत है हमारे भारत में या हमारे यहाँ, तो हम उनको डेवलप नहीं कर सकते या किया नहीं अब तक, तो अभी आगे जाके क्या करेंगे ऐसा सोच कर फिर मैं कुछ कर नहीं सकते ना। तो चलो आगे दूसरा भी डेस्टिनेशन दिखाते हैं हम। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 16-17 साल के बच्चे, ये अपनी जो पशु है उनको ऐसे चारा पानी करते हैं, घुमा के फिरा के उनको फिर घर को ले जाते हैं। ये देखिए तुम शाळेत जाता का नाही? हाँ तो सुट्टी देना का? बर 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 चलते, असं रोज फिर होता है। ये सब जो ये घूमने जानवरों को लेके आते हैं, यहाँ घास चारा बहुत बढ़िया है इसलिए यहाँ घूमने के लिए ले आते हैं। और यहाँ और कई जगह है जहाँ लोग आते हैं अपने भैंसों को लेके या जानवरों को लेके कुछ यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये देखिए कितने स्मार्टली वर्क करते हैं छोटे बच्चे हमारे, ये देश की आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे, कुछ तो करते हैं काम। चलो ठीक है, चला जा तो बाड़न तुम। हाय, ये रोड देखिए, यह ऊपर से आता है जो महालक्ष्मी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। और यहाँ से अभी आके यहाँ जो कुछ काम चल रहा है, तो हमारा जो एरिया है हमारे गांव का, उस जगह मैं पहुँचा हूँ जहाँ हमारे गांव के जो सारे बहुत सारे जो जवान हैं वो आर्मी भर्ती या हो पुलिस भर्ती या हो और कुछ उनकी तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये लगभग बहुत बढ़िया नज़ारा है। ये देखिए ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो यहाँ से लगभग 300 या 400 मीटर का एक ग्राउंड है जो ट्रैक है, जहाँ लड़के लड़कियाँ आके फिर यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए कुछ लड़कियाँ है, और यहाँ पेड़ का नज़ारा, और यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ देखिए, अगर हमारे यहाँ के लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ बड़ा कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना, तो यहाँ बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, बगीचा कर सकते हैं, और लोग हम बड़े छोटे बच्चों के लिए कुछ बाग बगीचा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारी सिर्फ सोच है, हम कुछ करते नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है इसलिए सब जगह वीरान है। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा। ये देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ, लगभग बहुत सारा यहाँ खुशहाल माहौल है, और यहाँ कुछ बच्चे आके कुछ खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। और देखिए अभी मैं अपने घर चलता हूँ, तो चलिए यहाँ का मैं जो नज़ारा दिखाना चाहता हूँ अभी मैंने दिखा दिया है आपको, तो और लक्ष्मी का जो जो दर्शन था वो भी करके आया। तो चलो अभी घर चलते हैं। ठीक है, अभी जाके इस वीडियो की एडिटिंग करना है, तो चलिए। तो आखिरकार मैं अपने घर आ चुका हूँ, और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए महालक्ष्मी के, और यहाँ भी मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। तो चलिए देखिए, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।